विधानसभा चुनावों को लेकर जहां प्रदेश के सभी हलकों में प्रत्याशी अपना अपना चुनाव प्रचार करने में जुटे हुए हैं, वहीं थानेसर हलके से भाजपा प्रत्याशी सुभाष सुधा भी विधानसभा चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए हलके में लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। थानेसर हलके के डेरा बाजीकर, डेरा रामपुरा, गाँव समस्तीपुर, डेरा सानी फार्म, किरमित, नरकातारी रोड, डोडाखेड़ी, गाँव बहादुरपुरा, गाँव भिवानी खेड़ा, दुर्गानगर व अन्य कई क्षेत्रों में जनसभाओं में भाजपा प्रत्याशी व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि विकास किया है और विकास करेंगे और जन जन का सम्मान करेंगे के नारे को सार्थक करते हुए विकास नीतियों को उन्होंने जनता के बीच साझा किया। भाजपा प्रत्याशी सुभाष सुधा ने भाजपा की विकासात्मक नीतियों और दूरगामी सोच को जनसाधारण के सामने रखा। उन्होंने कहा कि लोगों में भाजपा की नीतियों और सोच को लेकर एक नई उमंग और उत्साह नजर आ रहा था। इस दौरान मिला लोगों का अभूतपूर्व समर्थन और भाजपा के प्रति उनकी गहरी निष्ठा ये दर्शाती है कि 8 अक्टूबर को चुनावी परिणाम निश्चित रूप से थानेसर की जनता के पक्ष में होगा। जनता के इस उत्साह ने पार्टी के प्रति विश्वास को और मजबूत किया है। उन्होंने इस दौरान अन्य बड़ी योजनाओं सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज गाँव में जितना विकास कार्य भाजपा ने कराया है उतना विकास शायद किसी ने करवाया हो। आज गाँव की कोई गली ऐसी नहीं है जो पक्की न हो और हर गांव में स्ट्रीट लाइट व घर में लाइट नियमित रूप से आ रही है। वहीं पीने का साफ पानी लोगों को मुहैया कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज जो बच्चा पढ़ेगा वही सरकारी नौकरी लगेगा, चाहे वह शहर का हो या गांव का हो, क्योंकि भाजपा ने बिना पर्ची और बिना खर्ची के युवाओं को नौकरी देने का काम किया है। उन्होंने इसके अलावा शहर में भी करोड़ों रूपए के विकास कार्य हो चुके हैं और कई कार्य जारी है। आपको बता दें कि राज्य मंत्री सुभाष सुधा के द्वारा गांव ज्योतिसर से गांव दबखेड़ी तक एक बड़ा रोड शो काफिला भी निकाला गया। इस दौरान उनके काफिले में जहां 200 के करीब मोटरसाइकिल थी, वहीं 100 के करीब कारों का काफिला उनके साथ था। 5 किलोमीटर के रास्ते में राज्य मंत्री सुभाष सुधा खुद ट्रैक्टर चलाकर ज्योतिसर से दबखेड़ी पहुँचे। रास्ते में जगह जगह दुकानदारों व ग्रामीणों द्वारा फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया गया। सुभाष सुधा ने 5 किलोमीटर तक ट्रैक्टर चलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। दबखेड़ी पहुंचने पर ग्रामीणों द्वारा राज्य मंत्री को भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाकर उनका अभिनंदन किया, जिस पर सुभाष सुधा ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि पहले की भांति इस बार भी लोगों का आशीर्वाद और प्यार वोट के रूप में मुझे भरपूर मिलेगा।